आज इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को एक साल पूरा हो गया है। आज 7 अक्टूबर है और आज के ही दिन हमास के लड़ाकों ने इजरायली सीमा में घुसकर इसराइल पर हमला किया था और इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था। हमास ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन अलाक्सा फ्लड नाम दिया था, जिसका मकसद इसराइल को अपनी सैन्य ताकत दिखाना और वेस्ट बैंक में हुए इजरायली हमलों का जवाब देना था। हालांकि उसके बाद इसराइल ने हमास की सैन्य और शासन क्षमता को खत्म करने की कसम खाई थी, जिसके बाद इसराइल ने हमास पर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के नाम से एक सैन्य ऑपरेशन चलाया था। गाजा पट्टी पर हवाई और ग्राउंड ऑपरेशन करना शुरू कर दिया था। अब जानते हैं एक साल में कितना बदला है सब कुछ। एक साल पहले शुरू हुए सैन्य ऑपरेशन से हजारों लोगों की जाने गई है। गाजा के बुनियादी ढांचे को लगभग खत्म कर दिया गया है। साथ ही इसराइल के भी बहुत से नागरिकों की जाने गई हैं और लगभग 1000 के आसपास इजरायली सैनिकों की भी जाने गई हैं। और इस युद्ध के कारण लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं, जो सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों में भाग कर चले गए हैं। अब बात करते हैं हमास की। हमास के सैन्य चीफ इस्माइल हानिया और मोहम्मद डाइफ के मरने के बाद भी हमास के लड़ाके सरेंडर करने को तैयार नहीं है, अभी हमले करना जारी रखा हुआ है। हालांकि पिछले साल इनके द्वारा किए हमले की वजह से हजारों फलस्तीनियों को अपनी जानें गंवानी पड़ी और लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन काफी हद तक हमास की कमर टूट गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बाहर से मिल रही फंडिंग की वजह से लगातार हमले करना जारी रखे हुए है। इसराइल को कितना नुकसान हुआ है? पिछले साल हुए हमले में हजारों इजरायली नागरिकों की जाने गई और तकरीबन 250 नागरिकों को बंधक बना लिया गया था, जिसके बाद से इसराइल ने लगातार अपना सैन्य ऑपरेशन जारी रखा हुआ। इसराइल इसमें फ्रंट फुट पर रहा है, लेकिन पिछले एक साल से जारी इस युद्ध के कारण इसराइल को फाइनेंशियल खर्चे भी बहुत हुए हैं, क्योंकि इसराइल अपने हथियार बड़ी मात्रा में पश्चिमी देशों से खरीदता है और इस युद्ध के कारण वेपन्स की खरीदारी ज्यादा करना पड़ी, जिससे इसराइल को अधिक मात्रा में फाइनेंशियल खर्चे बढ़े, जिससे इसराइल में फाइनेंशियल क्राइसिस आने की संभावना बढ़ गई है। हेजबोला और ईरान की एंट्री। इस इसराइल हमास संघर्ष में पहले हेजबोला की एंट्री हुई, फिर हौथी और उसके बाद अब ईरान भी सीधे तौर पर इस युद्ध में कूद गया है, जिससे कहीं ना कहीं ये युद्ध बड़े खतरे के तौर पर बनता जा रहा है। हालांकि ये रिपोर्ट लिखे जाने तक इसराइल ने ईरान पर कोई अटैक नहीं किया है, लेकिन जल्द ही इसराइल ईरान पर अटैक कर सकता है बदला लेने के लिए। और इसराइल की फाइनेंशियल कमर तोड़ने के लिए हौथी भी लगातार एक्टिव बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गल्फ ऑफ एडन से निकलने वाले इसराइल से संबंधित कार्गो जहाजों पर हौथी अटैक कर रहा है। इसराइल ने भी पलटवार किया है। साथ ही इसराइल इस समय साउथ लेबनान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है, जिसका उद्देश्य हेजबोला की सैन्य कमर तोड़ना और हेजबोला पर पलटवार करना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध के कारण लेबनान के नागरिक बड़ी मात्रा में सीरिया के दक्षिणी इलाके में जा रहे हैं।